कितनी देर में कर लेंगे आप इसको, कितना जी सर। टाइम लगेगा आपको? 5 मुझे 5 मिनट लगेगा सर। 5 मिनट में कर जी लेंगे तो करिए, ठीक है। सर। सर एक्चुअली ये भर्ती का मैटर था, ये सन 2005 में जिला कलेक्टर सिधी ने भर्ती का एडवर्टीजमेंट निकाला, उसके ब्याप में हम लोगों ने आवेदन किया, कब निकाला था? ये 12/9/2005 को, 12/9/2005 को कलेक्टर सीधी कलेक्टर सिधी ने किस पद के लिए? पटवारी के लिए, उस समय जिला वाइज भर्ती अच्छा होती थी। ठीक है, इसका परीक्षा हुआ 23/10/2005 को 23/10/2005 को जी। जी, और 30/10/2005 को एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट उन्होंने तीस दस पांच को हाँ रिजल्ट उन्होंने आउट किया। जी। सर फिर इन्होंने क्या किया, अचानक 31/12/5 को नई लिस्ट जारी करके, और ये कहते इकतीस हुए इकतीस बारह पांच को हाँ एक नई लिस्ट जारी करके हाँ और हमसे कम मेरिट वालों को ट्रेनिंग में भेज दिया, ये कहते हुए कि आपका डिप्लोमा DOECC करके एक सोसाइटी है उससे अप्रूव्ड नहीं है अच्छा, डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा जी सर। नॉट अप्रूव्ड। भाई दो एक सोसाइटी हाँ जी। जबकि उन्होंने अन्य जिलों में इस हमारा जो डिप्लोमा है सेम डिप्लोमा के अन्य जिलों में भर्ती किया है उसी सीरीज में, जी इसके अगेंस्ट हम लोगों ने रिट पिटीशन दायर की जी 5/1/2006 को, WP WP 482/2006, जी और उसी में कंडक्ट मैटर मेरा वाला जो था वो WP 23/27/2006, जी ये हम लोगों ने लगाया, जिसका ऑर्डर आया 2011 में 15/11/11 को। हाँ इन्होंने ऑर्डर में माननीय न्यायालय ये लिखा कि यदि अन्य जिलों में सेम एनेक्सर, डिप्लोमा कौन सा एनेक्सर ऑर्डर में है? पी अनेक्सर P8 एट। माइलो एनेक्सर P8 पेज नंबर 50। हाँ प्लीज पढ़िएगा। सॉरी सर 49 पे देखेंगे, हाँ पेज फोर्टी फोर्टी नाइन नाइन लास्ट पैराग्राफ है सर, क्षमा चाहूंगा, ज्यादा इंग्लिश तो नहीं आती कोई फिर बात भी। नहीं, आप हिंदी में बात करिए, मुझे हिंदी आती है। तो सर इसमें तो इंग्लिश में लिखा है ऑर्डर, हाँ हाँ दैट मीन्स सो इट मैं पढ़ इज लेता हूँ, मत जी परेशान सर। होइए, ठीक है। पटवारी को हिंदी की कहाँ जरूरत, अंग्रेजी की कहाँ जरूरत है? पटवारी को तो दूसरी भाषा आना चाहिए, जी नापजोक सर की। जी 49 का लास्ट पैराग्राफ सर, हाँ ये मतलब इसका कंक्लूजन ये था कि यदि अन्य जिलों में इस तरह की भर्ती की गई हो तो 3 महीने में जांच करके कमिश्नर इनको भी वही लाभ दे, मतलब जी पिटिशनर को वही लाभ दे दे जी 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 ठीक, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं, जांच पे क्या आया, कुछ नहीं हमको जांच रिपोर्ट रिप्लाई। कहाँ है? यस बताइएगा इस ऑर्डर की कंप्लायंस कहाँ है? एक सेकंड रुक जाइए, एक रुक जाइए, रविनंदन सॉरी जी रुक जाइए। आप रविनंदन है? रविनंदन कौन है? सूर्य पुत्र आई थिंक सूर्यपुत्र कौन है? कर्ण, कर्ण तो अलग है, वो तो जो है वियोग से पैदा हुए थे, हैं? आई डोंट नो व्हाट यस शनिदेव सर। है, ठीक है ना? तो थोड़ा धैर्य रखिए, शनि का काम है धैर्य रखना, ठीक। हाँ भाई बताइए, आपकी क्या इंक्वायरी हुई? वेयर इज योर रिपोर्ट? रिप्लाई भी मैंने जो निवेदन रिप्लाई किया में निवेदन नहीं, रिप्लाई में हम आपसे जो पूछ रहे हैं, वेयर इज द रिपोर्ट? इसके बाद रिप्लाई साइलेंट है लिखिएगा रिप्लाई, श्री रविनंदन सिंह सर। पिटिशनर इन पर्सन। रुक जाओ, धैर्य रखो, थोड़ा सा धैर्य, इसीलिए बताया सॉरी आपको कि आपके नाम के अनुरूप जियो, ठीक है। देर से मिलता है लेकिन शनि जब देता है तो बहुत देके जाता है, ठीक है। जी सर। चलिए बैठे रहो। ड्रॉइंग अटेंशन टू द ऑर्डर कंटेन्ड इन एनेक्सर P8 पास्ड बाय अ कोऑर्डिनेट बेंच इन WP 27/1/2327/2006 ऑन 15/11/2011 वेयर इन कोऑर्डिनेट बेंच हैड ऑर्डर्ड एज अंडर कोलन डैश विद इन इन्वर्टेड कॉमास अकॉर्डिंगली कॉमा ऑन इंक्वायरी इफ द कमिश्नर कम टू द कंक्लूजन दैट इन वेरियस पी अदर नाइन पी डिस्ट्रिक्ट्स। नाइन में सॉरी पी नाइन क्या पे क्या पी है नाइन रिपोर्ट सर कमिश्नर की? यस हाँ देख लेते हैं क्या कहा कमिश्नर ने। मैं पटवारी चयन परीक्षा वर्ष 2005 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर हाँ WP 15/11/11 के परिपालन में जिलों में रिक्त पटवारी पदों पर नियुक्ति है तो कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा जारी पत्र प्रमाण स्वयं जिसमें शासकीय मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स किया हो मान्य होगा। इसके अतिरिक्त कार्यालय पत्र क्रमांक 1600 दिनांक 12/17/2005 द्वारा समस्त कलेक्टरों को निर्देश दिए गए थे निजी संस्थाओं के प्रमाण पत्रों को भी मान्य किया जाए जबकि वो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DOECC मान्यता प्राप्त है।
हाँ वर्ष 2005 में जिला सीधी द्वारा रिक्त पटवारी पदों के भरने हेतु तो उपरोक्त निर्देशानुसार पटवारी चयन परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें डीओ सीसी सोसाइटी के अलावा अन्य सोसाइटी कंप्यूटर प्रमाण अमान्य करने के पर श्री रविनंदन सिंह जिला सीधी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में स्वयं याचिका दायर की गई, जिसमें दिनांक 15/11/11 दायर किया गया। इट वाज फाउंड दैट इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट ऑफ एमपी कैंडिडेट हैव बीन अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ पटवारी इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन द ईयर 2006 इवन दो दे हैव एक्वायर्ड इन कंप्यूटर एजुकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स व्हिच इज नॉट एक्रेडिटेड टू द डीएसीसी सोसाइटी देन बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ द एग्जामिनेशन। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय परिपेक्ष में कार्यालय पत्र प्रमाण स्वयं दिनांक 13/13/23/13 द्वारा पटवारी चयन परीक्षा वर्ष 2005 में ऐसे उम्मीदवार जिनका कंप्यूटर प्रमाण पत्र शासकीय शासन द्वारा मान्यता प्राप्त दो एक सोसाइटी के अतिरिक्त अन्य कंप्यूटर प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्त किया गया है की जानकारी कलेक्टर से मंगाई गई। स्मरण पत्र क्रमांक 28 जनवरी 2005 के पश्चात भी कुल 60 कलेक्टर में से 14 कलेक्टर जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी के अवलोकन से पाया गया 8 जिलों में वर्ष 2006 में पटवारी परीक्षा आयोजित नहीं की गई अथवा स्थगित निरस्त कर दी गई। जिला उमरिया में भर्तियों का चयन ठीक निर्धारित है, पढ़ लिया मैंने। बताइएगा आपके पास डीओई से क्या कहा था प्रमाण मैं पत्र? क्षमा चाहूंगा सर, ये जो अभी इन्होंने पत्र को पढ़ा है जी ये सन 2013 का है, जब हमने कंटेम लगाया, हमने कंटेम लगाया 20/15/2012 में, ठीक है 14/12/12 को। जी उसके जवाब में इन्होंने कह दिया कि हम इन्होंने एक तो ऑर्डर की व्याख्या गलत की, जी ठीक। फिर इन्होंने कह दिया कि हम उन सभी को कोई निकाल, बात, कोई बात नहीं। ओके आपने उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने ये लिख दिया कि हम उन अभी के अभी सभी, पटवारी घोटाले की आपने जांच कराई ना, इसी साल की कराई, कौन सी कराई आपकी है? यही 2005 वाली कराई ना नहीं अभी आपने? लेटेस्ट वाली, अभी तो दूसरा ये हर साल पटवारी में घोटाला होता है आपके यहाँ है? पटवारी घोटाले की अभी आपने जांच कराई ना, वो जस्टिस आर के वर्मा साहब से? पीटीएम भी देखे साहब हाँ, इसके पी आगे टेन भी देखेंगे सर। हम, आपसे जो पूछना उसका तो जवाब दीजिए। पटवारी घोटाले की आपने अभी जांच कराई ना जस्टिस आर के वर्मा से, ये वो अभी किस लेटेस्ट साल की पटवारी घोटाला था? अभी वो लेटेस्ट वाला सर, लेटेस्ट इस साल कंटिन्यूइंग है, वो हर पटवारी रिक्रूटमेंट में घोटाला होता है, व्यापम ने लास्ट घोटाला किया है। लास्ट 2 इयर्स पहले पी टेन में क्या लिखा है? सर, पटवारी चयन परीक्षा वर्ष 2005 में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले करने संदर्भ पत्र के अंत में पटवारी चयन परीक्षा 2005 में 61 पटवारी के संवर्गवार पदों में के विरुद्ध 60 पटवारियों का चयन पटवारी परीक्षा के लिए किया गया था, तथा 60 में से 59 पटवारी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति जिले में की गई है। पटवारी प्रशिक्षण के लिए चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत से क्या कंप्यूटर इसका मतलब क्या निकल रहा है? ये क्या है? ये सर्टिफिकेट मैं इनके मान्य है कि नहीं है? नहीं, वो एज पर द ऑर्डर ऑफ अरे भाई, तो उसके मैं बाद क्या पाया गया? ये इनके इनके आपका सर्टिफिकेट पहले दिखाइएगा रविनंदन जी, आपका कौन सा है कंप्यूटर का? जी सर, ये एनएचएस एक इंस्टीट्यूशन था IICE करके, आपका? ये है मेरा कंप्यूटर डिप्लोमा एनेक्जर T4 P4 पेज नंबर 16 10 नंबर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। तो जी सर, ये मैंने 2000 में किया था, ठीक पर है, ये मैं मैटर एक बार और मैं पूरा बोल लूँ सर, हाँ समझ इतना गया, 1 मिनट 2 मिनट रुक जाइए, नहीं समझ में आएगा आपसे पूछ लेंगे। देखिए। ये संस्था जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, ये डिपार्टमेंट ऑफ, उससे एफिलिएटेड है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं सर, नहीं है? ठीक है, चलिए। अब तो बिंदु इतना सा आ गया कि आपने क्यों, आपने जिन लोगों को जो कहा था P9 में जो रिपोर्ट थी उसकी लाइट में किस किस को हटा दिया ये बता दीजिए, जो लोग योग्य नहीं थे। आपने P10 से एक लिस्ट तो बना दी, हाउ मेनी पीपल हैव बीन रिमूव्ड? इसमें लिखा है ना साहब कि जो 59 थे वो प्रॉपर पाए गए, अरे कहाँ लिखा है ऐसा? तो सर ऐसा नहीं लिखा, गलत मत पढ़िए वकील साहब। P10 में लिखा है वहाँ ना P10 फिर से पढ़िएगा। अंदर पत्र के अनुक्रम में पटवारी चयन परीक्षा 2005 में 61 पटवारी के संवर्गवार रिक्त पदों के विरुद्ध 60 पटवारियों का चयन पटवारी परीक्षण प्रशिक्षण के लिए किया गया था, तथा 60 में से 59 पटवारी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति जिले में की गई। पटवारी प्रशिक्षण के लिए चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कंप्यूटर डिप्लोमा प्रमाण पत्रों के विवरण की सूची इसमें ये कहाँ लिखा है कि वैध है ये? थोड़ा सर, पढ़ा तो करिए, आप लोग पढ़ नहीं पाते हैं। ये रुक पूरी जाइए, रुक जाइए, सिंह साहब आपको सुनेंगे। कहाँ है? रिपोर्ट पूरी फाइल करिए कलेक्टर की, लिखिएगा श्री रविनंदन सिंह थोड़ा इन द लाइट ऑफ एनेक्चर P10। सा और बोल लूँ सर। हाँ बोलो ना। एक्चुअली इन्होंने निकालने के लिए कहा था और आज 16-17 सालों में इन्होंने निकाला नहीं, वो वही तो हमने बुला कर रहे, वही तो जी बुला रहे हैं, बस आपका काम हो जाएगा। रिस्पोंडेंट कलेक्टर रीवा।
आपका सीधी का था जी हाँ एंड कलेक्टर सीधी आर रिक्वायर्ड टू फर्निश देयर रिपोर्ट अलोंग विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स एंड सेटलमेंट डेटेड 14/2/2013 एनेक्शन P9 इन रिगार्ड टू द सिलेक्शन ऑफ पटवारीज विच वॉज मेड इन परसुएंट टू द एग्जामिनेशन विच वॉज कंडक्टेड बाय व्यापम विच वॉज कंडक्टेड ऑन 12/9/2005 बाय कलेक्टर सीधी फुल स्टॉप लेट एफिडेविट ऑफ कलेक्टर सीधी अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ द कंप्लायंस बी प्रोड्यूस्ड बिफोर दिस कोर्ट ऑन और बिफोर नेक्स्ट डेट फेलिंग विच कलेक्टर सीधी शैल रिमेन पर्सनली प्रेजेंट लिस्ट दिस केस ऑन कलेक्टर सीधी एंड कलेक्टर रीवा कर दीजिए कलेक्टर सीधी एंड रीवा शैल रिमेन पर्सनली प्रेजेंट दोनों को डायरेक्शन दीजिएगा लिस्ट ऑन 13/3/2024 लेट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बी फाइल्ड ऑन और बिफोर 7/3/2024 सो दैट दे आर स्कैंड एंड मेड अवेलेबल ऑन द फाइल एंड केस इज टेकन अप फॉर हियरिंग चलिए 13 मार्च को आइएगा कितनी देर में कर लेंगे आप इसको कितना जी सर, टाइम लगेगा आपको सर मुझे 5 मिनट लगेगा सर। 5 मिनट में कर जी लेंगे तो करिए ठीक है सर। सर एक्चुअली ये भर्ती का मैटर था। ये सन 2005 में जिला कलेक्टर सिधी ने भर्ती का एडवर्टीजमेंट निकाला, उसके ब्याब में हम लोगों ने आवेदन किया, कब निकाला था ये 12/9/2005 को 12/9/2005 को कलेक्टर सीधी किस कलेक्टर सिधी ने पद पे लिए पटवारी के लिए। उस समय जिला वाइज भर्ती होती थी। ठीक है इसका परीक्षा हुआ 23/10/2005 को 23/10/2005 को जी जी, और 30/10/2005 को एक कंस